90 के दशक की ये अभिनेत्री थी सुनील शेट्टी की दीवानी। कई फिल्मों में साथ किया है काम, जानिए क्यों नहीं हो सकी दोनों की शादी। बॉलीवुड में 90 के दशक में एक्शन स्टार के नाम से मशहूर हुए सुनील शेट्टी ने मोहरा, दिलवाले, वक्त हमारा है, कृष्णा, विनाशक जैसी कई एक्शन फिल्मों में अपना अभिनय का लोहा मनवाया। सुनील ने 2000 में रिलीज हुई फिल्म धड़कन में एक ग्रे शेड वाला किरदार निभाया। रोमांटिक प्रेम कहानी में सुनील शेट्टी का नकारात्मक किरदार काफी पसंद किया गया था। सुनील शेट्टी ने तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इतनी लंबी फिल्मी करियर के दौरान सुनील ने कई सारी अभिनेत्रियों के साथ काम किया और बहुत सी हिट रोमांटिक फिल्में भी दी। वहीं अपने करियर के सफल मुकाम पर इनका नाम एक बेहद खूबसूरत हीरोइन के साथ जुड़ा। 90 के दशक की खूबसूरत अदाकारा सोनाली बेंद्रे का नाम सुनील शेट्टी के साथ काफी जोड़ा गया था। सोनाली बेंद्रे के साथ सुनील शेट्टी ने टक्कर, सपूत, कहर और भाई जैसी फिल्मों में काम किया था। बताया जाता है कि 1997 में आई सुपरहिट फिल्म भाई की शूटिंग के दौरान ये दोनों काफी करीब आ चुके थे, जिसकी चर्चा भी इस समय होने लगी थी। फिल्म के सेट पर इनके बीच खास तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। ऐसे में दोनों को लेकर बॉलीवुड में कई तरह की बातें भी चलने लगी थी। यहाँ तक बॉलीवुड गलियारों की खबरों की माने तो सोनाली बेंद्रे ने खुद ही सुनील को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, पर सुनील उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाए। दरअसल इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी थी। असल में फिल्मों में आने से पहले से ही सुनील शेट्टी की शादी हो चुकी थी। असल में उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त मन्ना से ईयर 1991 में ही शादी कर ली थी। ऐसे में सुनील सोनाली बेंद्रे से शादी रचाकर अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहते थे। दरअसल सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान सोनाली और अपने रिश्ते का सच बताते हुए उनसे शादी ना करने की वजह का खुलासा किया था। सुनील ने कहा था कि अगर वे पहले शादीशुदा नहीं होते तो सोनाली के बारे में जरूर सोचते।